क्या हाल है? बहुत मस्ती, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी यार, ऐसे चिल करना चाहिए। और आप भी एंजॉय किया करो, मस्ती किया करो, जिससे मस्ती मैं करता हूँ। लॉकडाउन करो ना लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। चलो ठीक है भाई, किसी के तो अच्छे दिन आए, हम तो बहुत खुश हुए तेरी ये तरक्की देख के। आपको याद है 2 साल पहले 6,000 रुपए लिए थे आपने, अब तेरे अच्छे दिन आ गए, बढ़िया हो गया सब काम, अब मेरे लौटा दो वापिस। भाई क्या बताऊं यार, इस लॉकडाउन में ना बिल्कुल काम धंधा है नहीं, पैसे है ही नहीं, मैं तो खुद मांग मांग के पैसे काम चला रहा हूँ। अब बहुत बुरा हाल है मेरे भाई, पैसे तो है ही नहीं बिल्कुल यार। कमाल है भाई, अभी तो तू अपनी अमीरी के बखान कर रहा था, इतनी देर में तू गरीबी की रेखा से नीचे आ गया। कमाल है यार, अजीब आदमी हो, पैसे लेते टाइम तो आप इतने झुक जाते हो, पैसे जब देने की बारी आती है तो कुछ बहाना कुछ बहाना। आज 2 साल हो गए भाई चक्कर काटते हुए, 6,000 रुपए है, दे दे यार प्लीज, ऐसे मत कर भाई। दुनिया को दिखाने के लिए बोलना पड़ता है, पर असली बात यह है कि अब किसको क्या बताएं कि हम खुद भूख मर रहे हैं, पैसे मांग मांग के टाइम पास कर रहे हैं। चल इसका एक इलाज है, मेरी बात सुन, 6,000 रुपए ले रहे हैं तेरे से। हाँ, अब घर वाले भी मेरे को रोज डांटते हैं कि तेरा दोस्त था, तूने पैसे दिए थे उसको, तू एक काम कर 4,000 रुपए दे दे। 4,000? 2,000 छोड़ दिए तेरे को। अरे यार पहले बोल देते मेरे भाई, 4,000 की कौन सी बड़ी बात थी। ऐसे करना, सोमवार को ले जाना। चलो सोमवार को 4,000 रुपए दे दे, अपना ये मामला खत्म। पक्का सोमवार को मेरे भाई, सोमवार को ध्यान रखना अपना। चलो सोमवार तो तू पीछा छोड़। क्या हाल है? आज सोमवार है? हाँ भाई पता है सोमवार है, कल संडे था, आने वाला दिन मंगलवार है और मैं मंगलवार को मंदिर जाता हूँ, चलना है? मंदिर तो चलो कल मंगलवार है देख लेंगे, पर पहले आज सोमवार वाला काम तो करें। 4,000 रुपए तूने बोला था ना सोमवार को सुबह दे देंगे। भाई यार मैंने बहुत कोशिश की, सबसे मांग के देख ली, कोई दे ही नहीं रहा यार। दुनिया में ना इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है, किसी को किसी की मजबूरी का पता ही नहीं है यार। हाँ सही कह रहा है, इंसानियत नाम की चीज है ही नहीं किसी में, तेरे को ही देख लो। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस, ठीक है ना? 4,000 रुपए तेरे को 2,000 रुपए माफ कर दिए थे, 4,000 रुपए बचे हैं मेरे को, अब के अब पैसे निकाल बस। पैसे तो नहीं है। देख मैं थाने चला जाऊंगा, मैं तेरे कोर्ट में घसीटता फिरेगा, कोई फायदा नहीं है उसका। यार भाई कौन सी बड़ी बात कर दी है, तो 4,000 रुपए ना, कौन सा मैंने कत्ल कर दिया, आराम से दे दूंगा ना यार। गुस्सा हो रहे हो? यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि सिर्फ 4,000 ही तो है, कट्ठे नहीं दे सकता तू, थोड़ी थोड़ी करके दे दे। एक तेरे को मैं और ऑप्शन देता हूँ, चल तू लास्ट यार 2,000 रुपए दे। 2,000 की बात है? हाँ 2,000 की। पहले बोल देता है यार 2,000 रुपए यार। ऐसा करना यार कल ले जाना मेरे भाई। कितने बजे? 2 बजे कल 2 बजे आऊंगा, 2,000 रुपए तैयार रखना, मैं बार बार चक्कर नहीं काटूंगा। पक्का 2 बजे भाई? पहले बोल देता 2,000 रुपए में, कब का कर देता यार, एवं तू गुस्सा हो गया यार। ठीक है चलो, रात रात का तो पीछा छुट्टा। और किस किस के पैसे नहीं देने? इसके भी नहीं देने? आओ भाई साहब आओ, बैठो बैठो, अभी आपकी याद आ रही थी, आपका इंतजार कर रहा था मैं। इसकी आ रही थी मेरे को। अच्छा मैं समझ गया, मैं भाई याद कर रहा है, भाई ने अपना फाइनल हुआ था ना 2,000 रुपए? हाँ हुआ था यार। भाई ने तैयार कर रखे होंगे तभी याद आ रहा है, तो पेमेंट दे दो आप। पैसे तो नहीं है भाई, व्यवस्था हो नहीं पाई, मेरी बात को समझो यार, मजबूरी है यार। ऐसे कैसे पैसे नहीं है यार, ये कोई बात थोड़ी होती है, 2 साल हो गए चक्कर कटवाते हैं, मैंने तेरे को माफ भी कर दिया, 6,000 रुपए थे, 2,000 पहले माफ किए, 2,000 तेरे को फिर माफ कर दिया, तेरे को लास्ट 2,000 रुपए देने, उसके लिए भी तू चक्कर कटवा रहा है। देख भाई थाने तहसील कोर्ट कचहरी में घसीटता फिरेगा, कोई फायदा नहीं। किसको किसको धमकी दे रहा है? मैंने तो कत्ल किया यार, 2,000 रुपए है ना, मैं कौन से खा के भाग रहा हूँ, यही हो ना, दे दूंगा। क्या ले दूंगा, कितना टाइम हो गया आज, कभी कुछ गोली देता है कभी कुछ गोली देता है, ये ऐसे थोड़ी काम चलता है, मुझे मेरी पेमेंट चाहिए बस। पैसे तो नहीं है भाई। अच्छा देखो मैं समझा रहा हूँ भाई, ये पैसे जरूरी है, मैंने घर वालों से लेके दिए है, तू मेरे पैसे दे दे प्लीज यार। भाई सोच यार, समझ थोड़ा सा यार। देख तेरे बारे में ये मशहूर है कि ये बंदा जिससे भी पैसे ले लेता है उसके आज तक किसने वापस नहीं दिए, और मेरे घर वालों ने भी है ना उस चीज की पूछ पकड़ ली, बोला इससे पैसे निकलवाने निकलवाने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। एक सेटलमेंट नाम की चीज होती है। हाँ, हाँ, क्या सुना है ना बैंक? हाँ, हाँ, हाँ।
तो इस केस को सेटलमेंट कर देते हैं, कर दो बस खत्म। ओके तू ऐसे कर, घर वाले भी राजी हो जाएंगे कि चलो इससे कुछ ना कुछ निकलवाया तो सही, ठीक है, और तेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तू सिर्फ 500 रुपए दे दे बस, लास्ट बस 500। भाई पहले बोल देता, क्यों 500 के लिए गुस्सा हो रहा था। 500 रुपए ना परसों ले लेना। नहीं 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 नहीं, सेटलमेंट का मतलब होता है कि आप अब का अब ऑन द स्पॉट केस को जमा कराओ और मामला खत्म। अब का अब दे 500 रुपए तो ही होगा। यार कितने लेने? 500 रुपए कल दे दूंगा। नहीं 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 नहीं, कल कुल नहीं है। मैं तुझे देख ले आखिरी बार समझा रहा हूँ, फिर तेरे को कोई थाने में पड़ा होगा कि जेल के कोने में पड़ा होगा। और ये यार कौन से थाने की बात है यार, कितने पैसे तेरे? अरे यार कमाल है यार, एक तो मेरे ही तो पैसे दबा रहा है, मेरे ऊपर धमकी दे रहा है। 6,000 रुपए थे। 6,000 थे ना? हाँ। अभी कितने लेने? 500 रुपए। तो तेरे धीरे धीरे 5.5 उतार दिए ना। हाँ। तो तेरे 500 उतार दूंगा यार। क्यों 500 लेते, निशान ले रखी है, कोई बात नहीं दे दूंगा। चल हाँ ठीक है, ठीक है ना, आराम से। बंदा बढ़िया है यार, ये ईमानदार आदमी। जब इसने भाई सोच क्या रहा है, 500 रुपए देने, अब बार बार तंग मत करना, मैं आराम से तेरे को लुटा दूंगा, ठीक है। चलो इसका हिसाब तो खत्म हुआ यार। हाँ यार बंदा बढ़िया है यार, धीरे 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 5,500 की पेमेंट भी तो दी है। हाँ यार 500 भी तो आ ही जाएंगे हैं? पर सोचने वाली बात ये है कि 5.5 कब दिए इसने? क्या ना, मैं तेरा गोली मार दूंगा।